आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मनोज सोरठिया, उनके ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला किया। उनका सर फट गया बीच में से, कई टांके आए। उनका कसूर क्या था? वो एक गणपति बापा के पंडाल में खड़े हुए थे, पूजा कर रहे थे। ये लोग आए और उन्होंने भगवान के सामने ही, भगवान की मूर्ति के सामने ही उनको, उनके ऊपर हमला किया और उनका सर फोड़ दिया। ये गुजरात की संस्कृति नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये हिंदू संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। गुजरात के 6 करोड़ लोगों को, जिस को जहां जहां गुजरात के कोने कोने में पता चल रहा है कि इस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग बहुत नाराज हैं। इनकी गुंडागर्दी अब इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर जगह ये लोग डराते हैं लोगों को, हर जगह डराते हैं लोगों को। इस तरह का हमला ये दिखाता है, हमला आप कब करते हैं सामने वाले के? जब आप हार रहे होते हैं। ये हमला ये दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा बेचैन है बीजेपी, बहुत ज्यादा उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत उनको हार की बेचैनी, उनको हार दिखाई दे रही है। मैं उन्हें यह भी कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस नहीं है, अपने तौर तरीके बदल लो। अभी तक तुम कांग्रेसियों से डील करते थे, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। हम सरदार पटेल को अपना आइडियल मानते हैं, हम भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। आपको लगता है कि हमारे ऊपर हमले करके डरा दोगे तो हम डरने वालों में कायर लोग नहीं है। हम डट के मुकाबला करेंगे, अन्याय का मुकाबला करेंगे, भ्रष्टाचार का मुकाबला करेंगे। और जो 27 साल से कुशासन चल रहा है गुजरात की 6 करोड़ जनता, उसका इस बार चुनाव के अंदर उनको विकल्प मिला है। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि हम सबको संयम रखने की इस वक्त जरूरत है। ये अभी और बहुत हमले कराएंगे। मैं देख पा रहा हूं कि अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर केवल आम आदमी पार्टी नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, ये जनता पे हमले कराएंगे। जनता में से अगर कोई कहेगा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये उस पर हमले कराएंगे। जनता में से जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ये उस पर हमले कराएंगे। ये गुजरात की जनता पे बड़े स्तर के ऊपर हमले कराने वाले हैं ये लोग। लेकिन हमें संयम रखना है, हमें हिंसा नहीं करनी। और संयम के साथ जिस दिन चुनाव होगा, बटन दबा के आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिएगा। मीडिया को डराते हैं, बताइए ये लोग। मुझे पता चला पिछले साल किसी ने अखबार या किसी ने लिख दिया था कि फलाने फलाने सीएम जाने वाले हैं, उनको कई महीने जेल में रहना पड़ा। इस साल किसी ने लिख दिया कि सीएम बदलने वाले हैं, उसके ऊपर केस कर दिए। क्या गुंडागर्दी है? आप इस तरह से मीडिया को डराओगे? सारे मीडिया को बोल रखा है कि आम आदमी पार्टी वालों को डिबेट में नहीं बुलाना, सारे मीडिया वालों को बोल रखा है कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं दिखाना। इस तरह से गुंडागर्दी से देश चलता है? इस तरह से गुंडागर्दी से आप सरकार चलाना चाहते हैं? ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।